I want nobody but you. 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 तैयार हो गई हूँ और ये ड्रेस वेयर कर लिया है हसन ये रहे हसन को मैं कह रही हूँ ये जैकेट नहीं पहने लेकिन हसन कह रहे हैं मैं ये जैकेट पहनूंगा और ये मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं और अभी दिखाते हैं ये रहे मेरे हस्बैंड और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब फैमिली। कैसे है माई यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का व्लॉग ये है, आज हम लोग फर्स्ट टाइम दोपहर में कज़न की शादी में जा रहे हैं तो उसी के लिए हम लोग तैयार हुए थे। तो ये सिंपल सा मैंने ड्रेस वेयर किया था क्योंकि फिर अजीब सा लगता इतना ज़्यादा भारी ड्रेस पहन लेते क्योंकि दोपहर में शादी थी। और सबसे पहले हम इंटर हो गए थे सरजानी से, हम आ गए थे PIB कॉलोनी और जो करीब के लोग थे ना वो लेट लतीफ़ थे, वो लोग नहीं आए थे। तो बस यहाँ पर हम सब आ गए थे और थोड़े थोड़े करके लोग आ रहे थे तो फिर मैंने थोड़े बहुत वीडियो क्लिप ले लिए। मैंने बोला फिर पूरा हॉल भर जाएगा, पता नहीं ले पाऊँ या नहीं ले पाऊँ। फिर बीच में सारे लोग आ रहे होते हैं ना फिर बचा बचा के वीडियो बनानी पड़ती है कि किसी का फेस ना आ जाए। और फिर ब्राइड आ गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। ये मेरे जो कज़न हैं उनके कज़न की बेटी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। बहुत ही खूबसूरत और इस पर बहुत ज़्यादा रूप चढ़ा था तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ब्राइड और प्लीज़ इसके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक इसको कामयाब अपने करे उस ससुराल में। और स्माइल देखें माशाल्लाह कितनी क्यूट है। तो आप लोग इसके शूट क्या कहते हैं इन्जॉय करें और फिर मैं थोड़ी देर में वॉइस ओवर करती हूँ जब तक कि इसकी मेहंदी का कलर भी इतना हसीन आया था माशाल्लाह माशाल्लाह और लिपस्टिक का कलर। तो ये शूट हो रहा था फिर मैंने सोचा मैं भी व्लॉग बना लेती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि पोज वगैरह जो ब्राइट अभी बनेंगी तो ये आप पोज जो हैं इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से फ़ोटोग्राफ़र इनकी पिक वगैरह ले रहा था तो स्टाइल वगैरह तो आप लोग चेक कर सकते हैं। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बार बार माशाल्लाह निकल रहा है मुँह से क्योंकि बहुत ही हसीन लग रही थी माशाल्लाह। और इसका शरारा वगैरह भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था तो ये आप देख सकते हैं। और ये इसकी सिस्टर है छोटी सबसे, तो मैं इससे पूछ रही थी और भाई कैसा लग रहा है आपकी सिस्टर जाने वाली है, तो कह रही है बहुत अजीब सा लग रहा है और बहुत याद भी करेंगे। जाहिर सी बात है जब बहनें एक साथ होती हैं और फिर एकदम से प्राय घर चली जाती हैं, पराई हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी बातें, उनकी लड़ाइयाँ, ये सारी बातें बहुत याद करते हैं। अच्छा जब एक साथ होते हैं ना तो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं सिस्टर से, कपड़ों पे लड़ाई झगड़े, काम करने में अक्सर तो काम करने में ही लड़ाई झगड़े होते हैं कि नहीं अम्मी इससे बोलो मैं ही काम करते रहती हूँ या इससे बोलो। लेकिन जब बहनें चली जाती हैं ना बहुत याद आती हैं, जितनों की भी शादी हो गई होगी तो वो अपनी छोटी सिस्टरों को बड़े सिस्टर को बहुत याद करती होगी। हम लोग भी चार बहनें हैं तो तीन बहनों की अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई है, एक छोटी वाली है उसकी भी इंशाल्लाह हो जाएगी, उसका व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखें इस तरीके से इन्होंने दुपट्टा लिया था और इस तरह शूट कर रहे थे और ये देखें कितने अच्छे अच्छे शूट बता रहे थे। पहले ये होता ना कि नीचे बैठते थे पूरा शरारा फैला लेते थे पुराने, अब ये पुराने हो गए हैं शूट और अब इस तरीके से पोज देते हैं तो ये बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे क्यूट क्यूट से पोज। तो जो भी ब्राइड बनने वाली है तो पोज चेक कर ले। और यहाँ पर बच्चे इंजॉय कर रहे थे और हसन साहब जहाँ पर भी जाते हैं अपने टॉयस वगैरह लेके जाते हैं तो हसन अपने टॉयस लेके आए थे और फिर बच्चों को एंटरटेनमेंट भी कराते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने बच्चों को बोला, सॉन्ग चल रहा था बट मैं जब भी वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि कॉपीराइट क्लाइम ना आ जाए। और यहाँ पर बच्चों
ये अपना कबूल है। मैं मोहम्मद सिद्दीकी हूँ, मोहम्मद असलम सिद्दीकी हमारा वाले और वकील रियासिया से अलीबा बिल्कुल मोहम्मद सिद्दीकी का निकाह मोहम्मद अशर और मोहम्मद नासिर से सिक्का राजुल वक्त 1,00,000 रुपये अंदर तलब इन गवाहों की मौजूदगी में करता हूँ कबूल है। और अल्हम्दुलिल्लाह से निकाह हो चुका था और सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। इतना प्यारा मोमेंट लगता है ये वाला कि सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो बस बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं दूर बैठी हुई थी, मैंने जूम करके ये क्लिप बनाए आप लोगों के लिए। गाना वगैरह नहीं मैंने डाला क्योंकि कॉपीराइट वगैरह का इशू रहता है, इस वजह से मैं इतने में सॉन्ग वगैरह नहीं डालती अपनी वीडियो में कि इतनी मेहनत कर रहे हैं और बाद में अगर कॉपीराइट क्लेम आ जाए तो बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं। और यहाँ पर भी खाना स्टार्ट हो गया था, खाने में थी शिरमार रोटी, कढ़ाई एंड बिरयानी सेट, रायता, तो सब अपने खाने में लग गए थे और फिर खाना एंजॉय करने लग गए थे। तो आप लोग भी देखें, आप लोग भी एंजॉय करें। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। अच्छा, सबसे पहले जब खाना स्टार्ट होता है ना, मेरा ये होता है कि मैं सैलेड लेके आ जाऊँ, क्योंकि भाई बिरयानी वगैरह जो भी चीज़ होगी वो तो रहती है, लेकिन जो सैलेड होता है और रायता होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं जब भी शादी में जाती हूँ ना, तो मुझे सैलेड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने लिए एक प्लेट में सैलेड लेके आ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड है ना, वो सैलेड खाते नहीं है, बट मुझे फ्रूट सैलेड वगैरह वो बहुत ज़्यादा पसंद है। खाने के साथ मैं लेती हूँ, दाल चावल हो, कुछ भी हो, मुझे खाने के साथ सलाद चाहिए होता है। और यहाँ पर ये मेरे सास ससुर हैं, तो ये इनके साथ व्लॉग बना रही हूँ, तो आप लोग इन्जॉय करें। और यहाँ पर खड़े होके फिर वीडियो वगैरह शूट कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कपल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर हम मेरे हस्बैंड और फिर मैंने अपनी पिक्स वगैरह खिंचवाई, यहाँ पर क्लिक हो रही थी। और ये देखें हील पहन के वो कितनी बड़ी लग रही है और मैं कितनी छोटी लग रही हूँ, क्योंकि मैंने स्लीपर पहनी हुई है, इस वजह से कद बहुत छोटा लग रहा है। तो लेकिन माशाल्लाह दोनों का कपल बहुत अच्छा है। और आप सब भी माशाल्लाह कहिएगा और दुआ कीजिएगा इन लोगों के लिए। और ये देखें, ये इनके कज़न हैं, ये ग्रीन वाले, तो ये इनके अब्बू हैं और ये सारे ऑफिस के हैं इनके। तो ये सारा ग्रुप बन रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था ग्रुप माशाल्लाह। और ये मेरे ससुर हैं, तो मैंने अपने ससुर के साथ भी वीडियो बनवाई, यादगार रहती हैं इस तरह के क्लिप जो होते हैं। मैं जो मेमोरी वगैरह होती है सेव करके रख लेती हूँ ना, अगर जो लड़कियाँ जो मेरी कज़नें वगैरह नहीं आती उनकी वीडियो में स्नैक में प्राइवेट कर देती हूँ। और अभी आ गया रुखसती का टाइम। और फिर यहाँ पर बहनें भी एक दूसरे से मिल रही थी, और जो दूसरी वाली थी वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसको भी रोना आ रहा था, बस दूर से ही वो मिली। ऐसा लगता है ना कि जान से जान जुदा हो रही है जब रुखसती का टाइम होता है, तो बहुत ये इमोशनल मोमेंट होते हैं। और जिन जिन लड़कियों की शादी हो गई होगी उनको भी अपना वक्त याद आ गया होगा। तो बस यहाँ पर अच्छा मुझे ये टाइम बहुत अच्छा लगा कि हम लोग 5 बजे फारिग हो गए थे, बहुत अच्छा टाइम लगा। मैं तो कह रही हूँ कि दोपहर में ही शादी होनी चाहिए कि शाम में आप लोग फारिग होकर अपने घर चले जाएं और जो हाँ कुछ भी करना हो वो आप करते रहें। तो बस यहाँ पर रुखसती हो गई थी। और आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा तो कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते रहेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।